Hello lawyers, welcome to my channel. So this video is in the continuation of the previous video related to the provision. And due to technical glitch, थोड़ी सी problem हो गई थी और ये video got divided into parts. So this is in the continuation of that only. Without wasting any time, let's just begin. So section 56 बता रहा है कि it is the obligation of the officers to assist each other. जैसे we have read कि there are so many departments included in this. तो every officers जो भी department के होते हैं mentioned in section 42 shall upon the notice given or request made be legally bound. जिसको भी नोटिस मिलता है या फिर रिक्वेस्ट होती है या दे आर लीगली बाउंड टू असिस्ट ईच अदर इन कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. ओके जी. नेक्स्ट सेक्शन 57 सेज रिपोर्ट ऑफ अरेस्ट एंड सीजर. वैन एवर एनी पर्सन मेक एनी अरेस्ट, अगर कोई भी पर्सन, एज वी नो दैट सो मेनी पर्सन कैन अरेस्ट, मेक एनी अरेस्ट या सीजर अंडर दिस एक्ट शैल विद इन 48 आवर्स नेक्स्ट आफ्टर द अरेस्ट एंड सीजर मेक अ फुल रिपोर्ट ऑफ ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ सच अरेस्ट एंड सीजर टू इज इमीडिएट ऑफिशियल सुपीरियर. 48 आवर्स में उसको इमीडिएट सुपीरियर को क्या करना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है, इमीडिएट इन सुपीरियर को इन्फॉर्म करना होता है कि दिस ही हैज़ डन इन द अरेस्ट एंड द सीजर, व्हाट ही हैज़ अरेस्टेड एंड व्हाई ही हैज़ अरेस्टेड एंड व्हाट ही हैज़ सीज्ड. 57A रिपोर्ट ऑफ सीजर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन अरेस्टेड बाय नोटिफिकेशन बाई नोटिफाइड अथॉरिटी. अब भी क्या है जो प्रॉपर्टी का, अभी ये देखो अरेस्ट हो सकता है, सीजर हो सकता है, तो सीजर तो मूवेबल प्रॉपर्टी का होएगा ना. वेन प्रॉपर्टी का होता है देन व्हाट विल सी इमूवेबल. वेन एवर एनी ऑफिसर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 53, तो 53 में जितने भी ऑफिसर्स थे, मेक्स एन अरेस्ट और सीज अंडर दिस एक्ट एंड प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 4 एक अप्लाई टू द पर्सन involved in the case of such arrest or seizure. The officer make a report of illegally acquired property of such person to the jurisdiction competent authority within 90 days of the arrest. अभी कितना हो गया, 90 days के अंदर उसको मजिस्ट्रेट को, मतलब काइंड ऑफ जो भी उधर जुरिस्डिक्शन में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ही हैज़ टू इन्फॉर्म दैट. उसके बाद पनिशमेंट फॉर वेक्सेशियस एंट्री सर्च एंड सीजर और अरेस्ट. देखो एनी पर्सन इम्पार्ड अंडर सेक्शन 42, 43, 44, अगर उसने विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, हमने देखा क्या रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए, दिस वॉज अ मेन क्राइटेरिया. विदाउट रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस, उसने सस्पिशियस एंट्री करी है, सर्च करा है, ठीक है, और कोज टू एंटर और सर्च किसको, या फिर उसने किसको भी सर्च करा, किसी बिल्डिंग को, कन्वेंस को, प्लेस को. वैक्सीशियसली और अननेसेसरली, बिना मतलब से ही उसने सीज कर ली प्रॉपर्टी को ऑफ एनी पर्सन इन द प्रोटेक्ट्स ऑफ सीजिंग और सर्चिंग फॉर द नारकोटिक. उसने क्या बताया कि वो नारकोटिक ड्रग्स या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की कर रहा है या फिर एनी अदर आर्टिकल जो लाइबल है टू बी सीज्ड, तो भी उसने अननेसेसरी किया है, तो दैट विल बी आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. उसके बाद वेक्सीशियस एंड अननेसेसरी डिटेन, बिना मतलब से उसने डिटेन कर लिया, सर्च कर लिया, अरेस्ट कर लिया एंड किसी भी पर्सन को, उसको क्या मिलेगी, शैल बी पनिश्ड. यू कॉन्ट मिस यूज योर पावर. शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ. 6 मंथ की उसको इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 rupees. ठीक है जी. इफ सम ऑफिसर विच आर मैंशन इन द 42 डज सर, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी 6 मंथ की या फिर फाइन अप टू 1000. एनी पर्सन विलफुली और maliciously giving false information and causing an arrest or search being made under this act shall be punishable.
For the imprisonment, which may term extend to 2 years or fine और विद बोथ. मतलब क्या, अगर कोई पर्सन भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसको भी ही विल बी ऑल्सो लायबल फॉर द टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years, 2 साल तक की पनिशमेंट उसको मिल सकती है. नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ ऑफिसर इन ड्यूटी और हिज कन्वीनियंस एट द कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. देखो, एनी ऑफिसर ऑन होम एनी ड्यूटी हैज़ बीन इम्पोज by under this act or who sees or refuse to perform the duty. अब देखो, किसी के ऊपर ये liability है कि you have to perform this duty, obligation है, और वो क्या कर दे, refuse कर दे कि मैंने perform ही नहीं करनी है, फिर withdraw himself from the अपनी duties perform करने से मना कर दे. shall, unless he has obtained the express written permission. जब तक उसको ये permission नहीं मिल जाती कि ठीक है, you don't need to do that, written में of the official superior से और अदर लॉफुल एक्सक्यूज, या फिर उसके पास कोई और लॉफुल एक्सक्यूज़ है कि वो क्यों नहीं कर रहा. अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं करता, ही शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 year. अगर ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, देन उसको 1 year की पनिशमेंट मिल सकती है और फाइन भी मिल सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं. सेकेंड इज एनी ऑफिसर ऑन हुम एनी ड्यूटी हैज़ बीन इम्पोज. अगर किसी ऑफिसर के ऊपर कोई ड्यूटी इम्पोज की गई अंडर दिस एक्ट, और एनी पर्सन हु हैज़ गिवन द कस्टडी, जिसको कस्टडी मिली है अडिक्ट की, या फिर एनी पर्सन हु हैज़ चार्ज, या फिर जिसको भी ये चार्ज लगाया अंडर दिस एक्ट, एंड हु विलफुली एड इन कन्वेंस एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी रूल ऑर्डर मेड देयर अंडर, उसको भी पनिशमेंट मिलेगी विद द रिग्रियस इम्प्रिजनमेंट, जो इसकी टर्म लेस देन 10 years तो होनी ही नहीं चाहिए. मतलब 10 साल से ऊपर की उसको सजा मिलेगी, वो 20 साल तक भी हो सकती है. और उसको जो फाइन मिलेगा, दैट विल बी अप टू 1 lakh rupee. एक्सप्लेनेशन की कहती है, फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन एक्सप्रेशन ऑफिसर्स. अब ऑफिसर्स कौन कौन से हो सकते हैं? पर्सन इंक्लूडेड इन अ हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन में भी रिकग्नाइज बाय द गवर्नमेंट. जैसे कोई भी उसको हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाते हैं, या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो गवर्नमेंट अथॉरिटी उसको करती है, या लोकल अथॉरिटी भी करती है 64A के अंडर, दे विल बी ऑल्सो लायबल फॉर द सेम. ओके, एंड सबसेक्शन 3 सेज नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 एक्सेप्ट ऑन कंप्लेंट इन राइटिंग मेड with the provision sanctioned by the center government as the case may be the state government. तो कोई भी अपने आप सुओ मोटो एक्शन नहीं लेगी, तो इट विल बी लाइक अगर उसको रिटर्न में कंप्लेंट आएगी, ओनली देन स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली विल टेक द एक्शन. और सेक्शन 16, लाइबिलिटी ऑफ इलिसिट ड्रग्स सब्सटेंस प्लांट्स आर्टिकल्स एंड कन्वेंस टू कॉन्फिस्केशन. उनकी क्या लाइबिलिटी थी? वेन एवर एनी ऑफिसर पनिशेबल अंडर दिस एक्ट बीन कमिटेड द नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कंट्रोल सब्सटेंस ओपियम पोपा कोका प्लांट्स कैनबीज मटीरियल यूटेंसिल्स, अगर कोई भी पनिशेबल होता है एंड एवरीथिंग, तो ऑफेंस, तो ही शैल बी लाइबल फॉर द कॉन्फिस्केशन. उसको कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा. सबसेक्शन 2, सो इन दिस सबसेक्शन 2, अगर कोई भी लॉफुली या अनलॉफुली कोई भी ऐसा इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, या फिर इंटरस्टेट इंट्रास्टेट इंडिया में जैसे भी कोई भी पैकेज है, तो दैट हैज़ टू बी कॉन्फिस्केट. उसको भी कॉन्फिस्केट करना ही है. सबसेक्शन 3 सेज अबाउट कोई भी एनिमल या कन्वेंस जो भी उस नारकोटिक ड्रग्स को कैरी करने के लिए या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को कैरी करने के लिए यूज हो रहा है, वो भी लायबल टू कॉन्फिस्केशन है. उसको भी कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा. इधर क्या है, प्रोविज़न है, अनलेस अगर उसका जो ओनर है, ओनर ऑफ दैट एनिमल और दैट कन्वेंस, वो प्रूफ कर देता है कि जो भी उसके ऊपर ड्रग्स लेके जा रही थी, दैट वाज नॉट इन हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज के बिना दे वर डूइंग सो, तो जो पर्सन इन चार्ज है, ही हैज़ टू रीजनेबल प्रिक्यूशन यूज़ करके वो उसको छोड़ सकता है. नाउ देर इज़ नो नीड टू कॉन्फिस्केट दैट पर्टिकुलर व्हीकल और एनिमल. सेक्शन 61 सेज कि कॉन्फिस्केशन करना है उस गुड्स का जो भी यूज़ हो रही है टू कंसील इलिसिट ड्रग्स और सब्सटेंस. कोई सी भी गुड्स हो सकती है, जैसे कि बैग और समथिंग लाइक दैट, कुछ भी
बट इतना याद रखना है कि गुड डज नॉट इंक्लूड कन्वेंस या ट्रांसपोर्ट का मीन नहीं यूज होएगा, बाकी जो भी गुड पे वो ड्रग्स और सब्सटेंस लेके जा रहे हैं दैट ऑल्सो हैज टू बी कॉन्फिस्केटेड अंडर सेक्शन 61. सेक्शन 62 से कन्फिस्केशन ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ इलिसिट ड्रग्स एंड सब्सटेंस. अभी सेल करने के लिए वेयर एनी नारकोटिक, तो जो भी सेल प्रोसीड्स होती हैं अंडर दिस एक्ट वो भी लाइबल होती हैं टू बी कॉन्फिस्केटेड अगर दे आर डूइंग थ्रू ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, तो भी उनको भी क्या कर लिया जाएगा, कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा. उसके बाद सेक्शन 63. सेक्शन 63 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर इन मेकिंग कॉन्फिस्केशन. प्रोसीजर क्या होती है? इन द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट वेन एवर अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड और एक्विटेड और डिस्चार्ज, द कंज्यूमर शैल डिसाइड दैट एनी आर्टिकल थिंग सीज्ड अंडर दिस एक्ट इज लाइबल टू कन्फिस्केशन अंडर सेक्शन 60, 61 और 62, एंड इफ इट डिसाइड दैट आर्टिकल इज सो लाइबल इट मे बी कन्फिस्केटेड अकॉर्डिंगली. तो अगर वो बंदा छूट भी जाता है या कन्विक्ट भी हो जाता है तो जो कोर्ट है दैट विल डिसाइड कि वो जो पार्टिकल्स हमने कन्फिस्केट किए हैं, जो भी हमने कन्फिस्केट किया उसको रखना है, कैसे रखना है एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली. उसके बाद सेक्शन 2, एनी आर्टिकल और थिंग सीज अंडर दिस एक्ट अपीयर टू बी लाइबल कन्फिस्केशन अंडर 60, 61, 62, बट द पर्सन हु कमिटेड द ऑफेंस इन कनेक्शन देयर इन इज नॉट नोन और कैन नॉट बी फाउंड. सामान मिल गया बट पर्सन नहीं ढूंढ सकते, तो भी कोर्ट में इंक्वायर इन टू एंड डिसाइड सच लाइबिलिटी एंड मे ऑर्डर कॉन्फिस्केशन अकॉर्डिंगली. तो भी वो बोल सकते हैं कि उसको कॉन्फिस्केट कर दो. बंदा पकड़ा गया छोड़ गया तभी भी, बंदा मिला ही नहीं तभी भी. प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ द आर्टिकल्स और थिंग्स शैल बी मेड अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ सीजर. एक महीने के अंदर अंदर उसको देना है और विदाउट हियरिंग पर्सन हु मे क्लेम राइट देयर टू द एविडेंस इफ एनी which he produce in respect of his claim. तो एक महीने के अंदर अंदर उसको वो क्लेम भी कर सकता है, अगर उसने नहीं किया then he'll do so. Provided further, और क्या है, if such articles, things or other than narcotic drugs or psychotropic substance under this क्या है, if the product is about to decay मतलब वो ख़राब हो सकती है then it can be sold as well. उसको सेल भी किया जा सकता है according to the provisions. Section 54, power to tender immunity from prosecution. अभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर उनका ये ओपिनियन है दैट विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एविडेंस ऑफ द पर्सन अपेयरिंग हैव बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्नड इन और प्राइवी टू द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल और ऑर्डर मेड देयर अंडर, इट इज़ नेसेसरी और एक्सपीडियंट टू डू सो टेंडर. तो क्या टेंडर करते हैं? दैट पर्सन इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अंडर इनफैक्ट और अंडर इंडियन पिनल कोड, दो में जा सकती है इस एक्ट के अंडर भी और इंडियन पिनल कोड के अंदर भी और एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट और भी कोई सेंटर का स्टेट एक्ट भी हो सकता है फॉर द टाइमिंग इन फोर्स. सबसेक्शन 2 की टेंडर करता है इम्यूनिटी को, एक्सेप्ट करता है बाय द पर्सन कंसर्न जिसकी इम्यूनिटी कहाँ तक एक्सटेंड होती है, रेंडर इम्यून फ्रॉम द प्रोसी, वो किससे जाता है इम्यून फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस इन रिस्पेक्ट टू द टेंडर, जिसकी भी रिस्पेक्ट में टेंडर मेड किया, टेंडर बनाया गया होगा उसमें उसकी जो इम्यूनिटी है वो अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन हो जाती है. सब सेक्शन 3 क्या कहता है? इफ़ इट इज पेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और एज द केस में भी द स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, दैट द पर्सन जिसको इम्यूनिटी दी गई है टेंडर under the section has not complied with the condition. अभी उसने tender में जो भी conditions थी उसमें उसको comply ही नहीं करा, on which the tender was जिसमें tender made जिसमें उसने tender बनाया था, and willfully concealing anything और या कुछ भी वो खुद से conceal कर रहा है, छुपा रहा है और या फिर false evidence दे रहा है. Central government
या स्टेट गवर्नमेंट एज अ केस में भी, वो रिकॉर्ड कर सकता है फाइंडिंग्स को टू द इफेक्ट देयर अपॉन द इम्यूनिटी शैल बी डीम टू हैव बीन विड्रॉ. उसी समय उससे जो इम्यूनिटी है वो छीन ली जाती है. एंड सच पर्सन मे बी ट्राइड, वो ट्राई हो जाता है फॉर द ऑफेंस इन रिस्पेक्ट टू विच द टेंडर ऑफ इम्यूनिटी वॉज मेड और एनी अदर ऑफेंस विच ही अपीयर्स टू हैव बीन गिल्टी इन कनेक्शन विद द सेम मैटर. सेम मैटर में उसने जितने भी ऑफेंस किए थे तो उसको क्या हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी उससे विड्रॉ कर ली जाती है. सेक्शन 64 ए क्या कहता है, इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन टू एडिक्ट्स वॉलंटियरिंग फॉर ट्रीटमेंट. जो भी अभी वो इम्यूनिटी लेते हैं, हमें ट्रीटमेंट करवाने जाना है, तो उसमें क्या होता है, देखो, एनी एडिक्ट हु इज चार्ज विद एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 27 विद ऑफेंस इन्वॉल्विंग स्मॉल क्वान्टिटी होती है जिसमें नारकोटिक ड्रग्स की, वॉलंटरी कहता है कि आई वॉन्ट टू गो टू द मेडिकल ट्रीटमेंट ताकि फॉर डी एडिक्शन टू द हॉस्पिटल या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है या लोकल अथॉरिटी मेंटेन करती है फॉर द ऑफेंस. फॉर सिर्फ ये देखना, याद रखना कि स्मॉल क्वान्टिटी होनी चाहिए, कमर्शियल नहीं होनी चाहिए ऑफ द नारकोटिक ड्रग्स, तो उसको भी इम्यूनिटी मिल जाती है प्रोवाइडेड दैट द सेट इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन मे बी विड्रॉन इफ अडिक्ट नॉट अंडरगो टू द कम्प्लीट ट्रीटमेंट फॉर. अगर उस वो ट्रीटमेंट नहीं लेने गया तब क्या हो जाएगी, वो विड्रॉ कर ली जाएगी. सेक्शन 66 ए प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट इन सर्टेन केस वेयर एनी डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड और फर्निश्ड बाय न्यू पर्सन बाय एनी पर्सन ही हैज सीज्ड फ्रॉम द कस्टडी, वो कस्टडी से भाग जाए, कंट्रोल या फिर किसी पर्सन के कंट्रोल से भाग जाए अंडर दिस लॉ या फिर किसी और लॉ के अंडर भी. हैज रिसीव्ड पार्ट टू हैज रिसीव्ड फ्रॉम प्लेस आउटसाइड या फिर आउटसाइड इंडिया से वो मिले जिसमें हमारा जो ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू सर्च अपॉन इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट alleged to have been committed by, अगर उसे लगता है कि इस पर्सन ने वो ऑफेंस किया है या फिर सच डॉक्यूमेंट उसने टेंडर करने की कोशिश करी है इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एविडेंस अगेंस्ट हिम एनी अदर पर्सन हु इज ट्राइड जॉइंटली विद हिम. अभी कोर्ट क्या करेगी, प्रज्यूम करेगी, वो कोर्ट की प्रिजम्पशन कहेगी जब तक कंट्ररी प्रूव नहीं होता दैट द सिग्नेचर एंड अदर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विच परपोर्ट्स टू बी, जो भी अगर उसने हैंड रिटन में कुछ है या सिग्नेचर है तो वो प्रज्यूम करेगी दैट इट इज़ द सिग्नेचर और हैंड रिटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसने भी ये ऑफेंस कमिट किया है अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव. और कोई भी डॉक्यूमेंट होता है जो नॉट ड्यूली स्टैम्प बट स्टिल दैट अदरवाइज विल बी एडमिसेबल, वो डॉक्यूमेंट भी एडमिसेबल होएगा. सबसेक्शन 3 इन केस फेलिंग अंडर सबसेक्शन 1 ऑल प्रज्यूम अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूव द ट्रूथ ऑफ द कंटेंट, मतलब जो भी उसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो कंटेंट मिलता है वो मोल लेंगे वो मान लेंगे दैट इट इज़ ट्रू. सेक्शन 67 पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एनी ऑफिसर रेफर्ड अंडर सेक्शन 42 हु इज अथोराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वो इंक्वायर कर सकता है इन कनेक्शन विद द कॉन्ट्रावेंशन. अगर उसे कोई भी कॉन्ट्रावेंशन लगे परमिशन में वो क्या कर सकता है, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है एनी पर्सन को सेटिस्फाई करने के लिए वेदर ही हैज़ उसने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया है किसी भी रूल को या नहीं. रिक्वायर एनी पर्सन टू प्रोड्यूस और डिलीवर कोई भी डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के लिए उसे बोल सकता है, एग्जामिन कर सकता है किसी भी पर्सन को एक्वेंटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस. लास्ट सेक्शन ऑफ द प्रोसीजर सेक्शन 68 इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, कोई भी अगर ऑफेंस होता है नो ऑफिसर एक्टिंग इन एक्सरसाइज ऑफ पावर वेस्टेड in him under any provision of the act or any rule order made thereunder shall be compelled to say whence he got information, मतलब उससे कहाँ से information मिली है ये कोई भी उसे compel नहीं कर सकता उस officers को that he has to tell that from where he got the information, he can keep that इन सेफ, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, वो उसको सेव करके रख सकता है कि कहाँ से ही गॉट द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंस. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रोसीजर पार्ट. नाउ इन द फर्दर वीडियोज वी विल डिस्कस द अनदर पार्ट्स ऑफ द NDPS एक्ट.